भी मौजूद है रावण की अशोक वाटिका जहाँ कैद थी सीता माता। लंका में आज भी अशोक वाटिका मौजूद है और यहाँ ऐसे कई निशान हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ वाकई रावण ने सीता माता को रखा था। भारत में छोटे से लेकर के बड़े बूढ़े तक को सभी को रामायण की कहानी पता है। सभी जानते हैं कि राम और सीता के विवाह के बाद उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाना पड़ा था। वनवास पर रहने के दौरान राम और सीता को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। इसी दौरान लंका के राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया था और अपने साथ लंका ले जा करके उन्हें अशोक वाटिका में कई दिनों तक रखा था। रावण ने जब सीता माता का अपहरण किया था तब वो उन्हें सीधे अपने महल लंका ले गया। सीता माता को रानी बनाना चाहता था मगर सीता माता इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने महल में रहने से इनकार कर दिया। तब रावण ने सीता माता को एक गुफा के अंदर ले जा करके रखा जिसका सिर कोबरा सांप की तरह फैला हुआ था। इस गुफा के आसपास हल्की सी नकाशी झलकती है। इसके बाद रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा। ये रावण के महल में बनी हुई थी। सीता अशोक के जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी वो जगह सीता आलिया के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2007 में श्रीलंका सरकार के एक रिसर्च कमेटी ने भी पुष्टि की कि सीता एलिया ही अशोक वाटिका है। ये जगह आज भी वैसी की वैसी है। इतना ही नहीं, सीता जी के को ले जाने आए हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई थी उसके प्रमाण भी यहाँ मिलते हैं। हनुमान जी के लंका जाने से भयभीत रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटा करके कुंडा कट्टा गल्ला में रखा था। पुरातत्व विभाग को यहाँ कई ऐसी गुफाएं मिली जो रावण के महल तक ले जाती हैं। रामायण में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि जब राम को इस बात का पता चला कि सीता का हरण रावण ने किया है तो उन्होंने अपनी वानरों की एक सेना बनाई और हनुमान जी को आदेश दिया कि वो सीता जी को लंका से वापस लेकर आएं। भगवान राम के आदेश पर हनुमान जी ने लंका पहुंच गए। अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे सीता माता बैठी थी उस पर चढ़ करके उन्होंने सीता माता को भगवान राम की अंगूठी फेंकी जिससे सीता माता को अंदाजा हुआ कि हनुमान जी को भगवान राम ने ही भेजा होगा। श्रीलंका में आज भी वो स्थान मौजूद है जहाँ पर हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। हनुमान जी के पैरों के निशान जिस जिस चट्टान पर पड़े वो पैर के आकार के गड्ढे बन गए। ये निशान आज भी देखे जा सकते हैं यहाँ पर। रामायण और राम के युद्ध में एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण बेहोश हो गए थे। वो केवल संजीवनी बूटियों से ही जीवित हो सकते थे। ये जड़ी बूटियाँ केवल हिमालय में ही मिलती हैं और हनुमान जी इसे लेने के लिए वहाँ गए थे और संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ ही उठा लाए थे। ये पहाड़ आज भी श्रीलंका में उपस्थित है और इसमें आज भी हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिलते हैं। ये दावा किया जाता है कि जड़ी बूटियों का श्रीलंका में पाया जाना रामायण काल की वास्तविकता को प्रमाणित करता है। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला जिसे देखकर लगता है कि वो रामायण काल में बनाया गया होगा। रामायण में इस बात का वर्णन है कि भगवान हनुमान ने रावण की लंका को जला दिया था, इस वजह से इस जगह की मिट्टी काली हो गई थी और ये मिट्टी आज भी काली है। यहीं से थोड़ी दूर पर रावण एल्ला नाम से एक झरना है जो 82 फीट की ऊंचाई से गिरता है। राम द्वारा रावण का वध करने के पश्चात विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने अपना महल कालकिनिया में बनाया था। ये कालकिनिया नदी के किनारे स्थित है। यहाँ आज भी पुरातत्व विभाग को कुछ अवशेष मिलते हैं।